ओम साई राम। सभी को सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ अध्याय 22, श्री साई सच्चरित्र। बाबा की सर्प मारने पर सलाह। श्री साई बाबा का ध्यान कैसे किया जाए? उस सर्वशक्तिमान की प्रकृति अगाध है, जिसका वर्णन करने में वेद और सहस्त्रमुखी शेषनाग भी अपने को असमर्थ पाते हैं। भक्तों की रुचि स्वरूप वर्णन से नहीं, उनकी तो दृढ़ धारणा है कि आनंद की प्राप्ति केवल उनके श्री चरणों से ही संभव है। उनके चरण कमलों के ध्यान के अतिरिक्त उन्हें अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति का अन्य मार्ग विदित ही नहीं। हेमाड पंत भक्ति और ध्यान का जो एक अति सरल मार्ग सुझाते हैं वह है, कृष्ण पक्ष के आरंभ होने पर चंद्रकलाएं दिन प्रतिदिन घटती जाती हैं तथा उनका प्रकाश भी क्रमशः क्षीण होता जाता है और अंत में अमावस्या के दिन चंद्रमा के पूर्ण विलीन रहने पर चारों ओर निशा का भयंकर अंधेरा छा जाता है। परंतु जब शुक्ल पक्ष का प्रारंभ होता है तो लोग चंद्र दर्शन के लिए अति उत्सुक हो जाते हैं। इसके बाद द्वितीया को जब चंद्र अधिक स्पष्ट नहीं होता तब लोगों को वृक्ष की दो शाखाओं के बीच से चंद्र दर्शन के लिए कहा जाता है और जब इन शाखाओं के बीच उत्सुकता और ध्यानपूर्वक देखने का प्रयत्न किया जाता है तो दूर क्षितिज पर छोटी सी चंद्र रेखा के दृष्टिगोचर होते ही मन अति प्रफुल्लित हो जाता है। इसी सिद्धांत का अनुमोदन करते हुए हमें बाबा के श्री दर्शन का भी प्रयत्न करना चाहिए। बाबा के चित्र की ओर देखो, आहा कितना सुंदर है। वे पैर मोड़कर बैठे हैं और दाहिना पैर बाएं घुटने पर रखा गया है। बाएं हाथ की अंगुलियां दाहिने चरण पर फैली हुई हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियां फैली हुई हैं। इस आकृति से बाबा समझा रहे हैं कि यदि तुम्हें मेरे आध्यात्मिक दर्शन करने की इच्छा रखते हो तो अभिमान शून्य और विनम्र होकर उक्त दो अंगुलियों के बीच से मेरे चरण के अंगूठे का ध्यान करो, तब कहीं तुम उस सत्य स्वरूप का दर्शन करने में सफल हो सकोगे। भक्ति प्राप्त करने का यह सबसे सुगम पंथ है। अब एक क्षण श्री साई बाबा की जीवनी का अवलोकन करें। साई बाबा के वास से ही शिरडी तीर्थ स्थल बन गया है। चारों ओर से लोगों की भीड़ वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगी है तथा धनी और निर्धन सभी को किसी न किसी रूप में लाभ पहुँच रहा है। बाबा के असीम प्रेम, उनके अद्भुत ज्ञान भंडार और सर्वव्यापकता का वर्णन करने की सामर्थ्य किसे है? धन्य तो वही है जिसे कुछ अनुभव हो चुका है। कभी कभी वे ब्रह्म में निमग्न रहने के कारण दीर्घ मौन धारण कर लिया करते थे। कभी कभी वे चैतन्य घन और आनंद मूर्ति बन भक्तों से घिरे हुए रहते थे। कभी दृष्टांत देते तो कभी हास्य विनोद किया करते थे। कभी सरल चित्त रहते तो कभी क्रुद्ध भी हो जाया करते थे। भक्तों को उनके मुखमंडल के अवलोकन, वार्तालाप करने और लीलाएं सुनने की इच्छाएं सदा अतृप्त ही बनी रहती। फिर भी हम फूले न समाते थे। जलवृष्टि के कणों की गणना की जा सकती है। वायु को भी चर्म की थैली में संचित किया जा सकता है, परंतु बाबा की लीलाओं का कोई भी अंत न पा सकता। अब उन लीलाओं में से एक लीला का यहाँ दर्शन करें। भक्तों के संकटों के घटित होने के पूर्व ही बाबा उपयुक्त अवसर पर किस प्रकार उनकी रक्षा किया करते थे। श्री बाला साहेब मीरीकर, जो सरदार काका साहेब के सुपुत्र तथा कोपर गांव के मामलतदार थे, एक बार दौरे पर चितली जा रहे थे। तभी मार्ग में वे साई बाबा के दर्शनार्थ शिरडी पधारे। उन्होंने मस्जिद में जाकर
बाबा की चरण वंदना की और सदैव की भांति स्वास्थ्य तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। बाबा ने उन्हें चेतावनी देकर कहा कि जहाँ तुम बैठे हो वही द्वारका माई है। जो उसकी गोद में बैठता है वह अपने बच्चों के समस्त दुखों और कठिनाइयों को दूर कर देती है। यह मस्जिद माई परम दयालु है। सरल हृदय भक्तों की तो वह माँ है और संकटों में उनकी रक्षा अवश्य करेगी। जो उसकी गोद में एक बार बैठता है उसके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। जो उसकी छत्र छाया में विश्राम करता है उसे आनंद और सुख की प्राप्ति होती है। तदुपरांत बाबा ने उन्हें उदी देकर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रख आशीर्वाद दिया। जब श्री बाला साहेब जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बाबा बोले कि क्या तुम लंबे बाबा से परिचित हो, और अपनी बाई मुट्ठी बंद कर उसे दाहिने हाथ की कुहिनी के पास ले जाकर दाहिने हाथ को सांप के सदृश हिलाकर बोले कि वह अति भयंकर है परंतु द्वारका माई के लालों का वह कर ही क्या सकता है। जब स्वयं द्वारका माई उनकी रक्षा करने वाली है तो सर्प की सामर्थ्य ही क्या है। वहाँ उपस्थित लोग इसका अर्थ तथा मीरीकर को इस प्रकार चेतावनी देने का कारण जानना चाहते थे, परंतु पूछने का साहस किसी में भी न था। बाबा ने श्यामा को बुलाया और बाला साहब के साथ जाकर चितली यात्रा का आनंद लेने की आज्ञा दी। तब श्यामा ने जाकर बाबा का आदेश बाला साहब को सुनाया। वे बोले कि मार्ग में असुविधाएँ बहुत हैं, अतः आपको व्यर्थ ही कष्ट उठाना उचित नहीं है। बाला साहेब ने जो कुछ कहा वह श्यामा ने बाबा को बताया। बाबा बोले कि अच्छा ठीक है, न जाओ। सदैव उचित अर्थ ग्रहण कर श्रेष्ठ कार्य ही करना चाहिए। जो कुछ होने वाला है सो तो होकर ही रहेगा। बाला साहेब ने पुनः विचार कर श्यामा को अपने साथ चलने के लिए कहा। तब श्यामा पुनः बाबा की आज्ञा प्राप्त कर बाला साहेब के साथ तांगे में रवाना हो गए। वे 9 बजे चितली पहुँचे और मारुति मंदिर में जाकर ठहरे। कार्यालय के कर्मचारीगण अभी नहीं आए थे, इस कारण वे यहाँ वहाँ की चर्चाएँ करने लगे। बाला साहेब दैनिक पत्र पढ़ते हुए चटाई पर शांतिपूर्वक बैठे थे। उनकी धोती का ऊपरी सिरा कमर पर पड़ा हुआ था और उसी के एक भाग पर एक सर्प बैठा हुआ था। किसी का भी ध्यान उधर न था। वह सी सी करता हुआ आगे रेंगने लगा। यह आवाज़ सुनकर चपरासी दौड़ा और लालटेन ले आया। सर्प को देखकर वह साफ साफ कहकर उच्च स्वर में चिल्लाने लगा। तब बाला साहेब अति भयभीत होकर कांपने लगे। श्यामा को भी आश्चर्य हुआ। तब वे तथा अन्य व्यक्ति वहाँ से धीरे से हटे और अपने हाथ में लाठियाँ ले ली। सर्प धीरे धीरे कमर से नीचे उतर आया, तब लोगों ने उसका तत्काल ही प्राणांत कर दिया। जिस संकट की बाबा ने भविष्यवाणी की थी वह टल गया और साईं चरणों में बाला साहेब का प्रेम दृढ़ हो गया। बापू साहेब बूटी। एक दिन महान ज्योतिषी श्री नाना साहेब डेंगले ने बापू साहेब बूटी से कहा, आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत अशुभ है और तुम्हारे जीवन को संकटप्रद है। यह सुनकर बापू साहेब बड़े अधीर हो उठे। जब सदैव की भांति वे बाबा के दर्शन करने गए तो वो बोले कि ये नाना क्या कहते हैं, वे तुम्हारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं परंतु तुम्हें भयभीत होने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं है। इनसे दृढ़तापूर्वक कह दो कि अच्छा देखें काल मेरा किस तरह अपहरण करता है। जब संध्या समय बापू अपने शौचगृह में गए तो वहाँ उन्हें एक सर्प दिखाई दिया। उनके नौकर ने भी सर्प को देख लिया और उसे मारने को एक पत्थर उठाया। बापू साहेब ने एक लंबी लकड़ी मंगवाई, परंतु लकड़ी आने से पूर्व ही वह सांप दूरी पर रेंगता हुआ दिखाई दिया और तुरंत ही दृष्टि से ओझल हो गया। बापू साहेब को बाबा के अभयपूर्ण वचनों का स्मरण हुआ और बड़ा ही संतोष हुआ। अमीर शक्कर कोरले गांव का निवासी था जो कोपरगांव तालुके में है। वह जाति का कसाई था और बांद्रा में दलाली का धंधा किया करता था। वह प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक था। एक बार वह गठिया रोग से अधिक कष्ट पा रहा था।
जब उसे खुदा की स्मृति आई तब काम धंधा छोड़कर वह शिरडी आया और बाबा से रोग निवृत्ति की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा ने उसे चावड़ी में रहने की आज्ञा दे दी। चावड़ी उस समय एक अस्वास्थ्यकारक स्थान होने के कारण इस प्रकार के रोगियों के लिए सर्वथा अयोग्य थी। गांव का अन्य कोई भी स्थान उसके लिए बेहतर होता, परंतु बाबा के शब्द तो निर्णयात्मक तथा मुख्य औषधि स्वरूप थे। बाबा ने उसे मस्जिद में न आने दिया और चावड़ी में ही रहने की आज्ञा दी। वहाँ उसे बहुत लाभ हुआ। बाबा प्रातः और सायंकाल चावड़ी से निकलते थे तथा एक दिन के अंतर से जुलूस के साथ वहाँ आते और वहीं विश्राम किया करते थे। इसलिए अमीर को बाबा का सानिध्य सरलतापूर्वक प्राप्त हो जाया करता था। अमीर वहाँ पूरे 9 मास रहा। जब किसी अन्य कारणवश उसका मन उस स्थान से उब गया, तब एक रात्रि में वह चोरी से उस स्थान को छोड़कर कोपर गांव की धर्मशाला में जा ठहरा। वहाँ पहुँचकर उसने वहाँ एक फ़कीर को मरते हुए देखा जो पानी मांग रहा था। अमीर ने उसे पानी दिया जिसे पीते ही उसका देहांत हो गया। अब अमीर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। उसे विचार आया कि अधिकारियों को इसकी सूचना दे दूं तो मैं ही मृत्यु के लिए उत्तरदायी ठहराया जाऊंगा और प्रथम सूचना पहुंचाने के नाते मुझे अवश्य इस विषय की अधिक जानकारी होगी। सबसे प्रथम मैं ही पकड़ा जाऊंगा। तब बिना आज्ञा शिरडी छोड़ने की उतावली पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने बाबा से मन ही मन प्रार्थना की और शिरडी लौटने का निश्चय कर उसी रात्रि बाबा का नाम लेते हुए पांव फटने से पूर्व ही शिरडी वापस पहुंचकर चिंता मुक्त हो गया। फिर वह चावड़ी में बाबा की इच्छा और आज्ञा अनुसार ही रहने लगा और शीघ्र ही रोग मुक्त हो गया। एक समय ऐसा हुआ कि अर्धरात्रि को बाबा ने जोर से पुकारा कि ओ अब्दुल, कोई दुष्ट प्राणी मेरे बिस्तर पर चढ़ रहा है। अब्दुल ने लालटेन लेकर बाबा का बिस्तर देखा, परंतु वहाँ कुछ भी न दिखा। बाबा ने ध्यानपूर्वक सारे स्थान का निरीक्षण करने को कहा और वे अपना सटका भी जमीन पर पटकने लगे। बाबा की यह लीला देखकर अमीर ने सोचा कि हो सकता है कि बाबा को किसी सांप के आने की शंका हुई हो। दीर्घकाल तक बाबा की संगति में रहने के कारण अमीर को उनके शब्दों और कार्यों का अर्थ समझ में आ गया था। उन्होंने अपने बिस्तर के पास कुछ रेंगता हुआ देखा, तब उन्होंने अब्दुल से बत्ती मंगवाई और एक सांप को कुंडली मारे हुए वहाँ बैठे देखा जो अपना फन हिला रहा था। फिर वह सांप तुरंत ही मार डाला गया। इस प्रकार बाबा ने सामयिक सूचना देकर अमीर के प्राणों की रक्षा की। हेमाडपंत, बिच्छू और सांप। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहेब दीक्षित श्री एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था तब श्री हेमाडपंत भी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, यह प्रसंग चल रहा था। सब श्रोताजन मंत्रमुग्ध हो रहे थे तथा हेमाडपंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बड़ा बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा और उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक न हुआ। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह मृतप्राय सा प्रतीत हो रहा था, मानो वह भी कथा के आनंद में तल्लीन हो। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले उसे अपनी धोती के दोनों सिरे मिलाकर उसमें लपेट लिया और दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहेब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे, तभी एक सांप खिड़की की चौखट के एक छिद्र में से भीतर घुस आया और कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले तो वह थोड़ा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी और डंडा लेकर वहाँ दौड़े, परंतु वह एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहाँ उस पर किसी के प्रहार का कोई भी असर न पड़ता था। लोगों का शोर सुनकर वह शीघ्र ही उसी छिद्र में से अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। बाबा के विचार। एक भक्त मुक्ताराम कहने लगा कि चलो अच्छा ही हुआ जो एक जीव बेचारा बच गया।
श्री हेमाड पंत ने उसकी अवहेलना कर कहा कि सांप को मारना ही उचित है। इस कारण इस विषय पर वाद विवाद होने लगा। एक का मत था कि सांप तथा उसके सदृश जंतुओं को मार डालना ही उचित है, किंतु दूसरे का इसके विपरीत मत था। रात्रि अधिक हो जाने के कारण किसी निष्कर्ष पर पहुँचे बिना ही उन्हें विवाद स्थगित करना पड़ा। दूसरे दिन यह प्रश्न बाबा के समक्ष लाया गया। तब बाबा निर्णयात्मक वचन बोले कि सब जीवों में और समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है, चाहे वह सांप हो या बिच्छू। वे ही इस विश्व के नियंत्रण करता हैं और सब प्राणी सांप बिच्छू इत्यादि उनकी आज्ञा का ही पालन किया करते हैं। उनकी इच्छा के बिना कोई भी दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। समस्त विश्व उनके अधीन है तथा स्वतंत्र कोई भी नहीं है, इसलिए हमें सब प्राणियों से दया और स्नेह करना चाहिए। वैमनस्य या संहार करना छोड़कर शांत चित्त से जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर सबका ही रक्षक है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। सप्ताह पारायण तृतीय विश्राम।